नमस्कार। तो ये दिन का दूसरा पहर है, यानी दोपहर है और बजने वाले हैं दो। तो जब दो बजने वाले होते हैं तब वो वक्त होता है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के खास कार्यक्रम मेरा गांव मेरा देश है के यूपी एडिशन का। इस कार्यक्रम के जरिए हर हम विधानसभा को टटोलने की कोशिश करते हैं, उसके नब्ज़ को टटोलते हैं कि आखिर यहाँ पर समीकरण क्या माहौल बना रहे हैं, कि आखिर यहाँ पर जो तबीयत है सियासत की वो किस हाल में है। इस हाल का चाल लेने के लिए, पूर्ण रूप से कहूँ तो हालचाल लेने के लिए इस कार्यक्रम की संरचना की गई है। तो आज मैं हाजिर हूँ एक और ऐसी ही विधानसभा की बातचीत के लिए। ये पूर्वांचल की विधानसभा है जो कि फतेहपुर जिले के अंतर्गत आती है, नाम है बिंदकी विधानसभा। बिंदकी विधानसभा के जो मौजूदा विधायक हैं उनका नाम है करण सिंह पटेल। करण सिंह पटेल, बिंदकी विधानसभा कुर्मी बहुल विधानसभा है, कुर्मी बहुल विधानसभा। हालांकि यहाँ पर क्षत्रिय समाज के जो लोग हैं वो भी ठीक ठाक तादाद में हैं और बाकी अन्य जो लोग हैं वो कमतर हैं, लेकिन ठीक ठाक हैं, सब मिला जुला है। उसके अलावा आपको बता दूं कि ये जो बिंदकी विधानसभा है ये गढ़ मानी जाती है बीजेपी और बसपा का मजबूत गढ़, बीजेपी और बसपा का मजबूत गढ़। इसलिए क्योंकि 2017 में यहाँ से बीजेपी से विधायक तो जीते पटेल साहब, लेकिन 2007 की मैं बात करूँ या 2012 की बात करूँ तो यहाँ पर बसपा के हमारे राजेंद्र सिंह पटेल साहब थे, राजेंद्र सिंह पटेल साहब नहीं, हमारे बसपा के जो थे वो जीते थे और दो बार बसपा से वो जीत हासिल की उन्होंने। इसके अलावा रामेश्वर दयालु साहब जो थे एसपी से हैं, 2017 में इनको हार का सामना करना पड़ा, हालांकि रनर अप रही ये। तो बीजेपी और एसपी के बीच जो थी फाइट पिछली दफा देखने को मिली थी, हालांकि लोगों ने कहा कि ये मोदी लहर का असर है। और इस बार एक बार फिर बिंदकी विधानसभा तीनों तरफ से मजबूत है, मतलब बीजेपी का जो प्रत्याशी है वो भी मजबूत नजर आ रहे हैं, बसपा के जो प्रत्याशी है वो भी मजबूत नजर आ रहे हैं और वहीं जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो भी बहुत मजबूत नजर आ रहे हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है, राजनीतिक जो पंडित हैं वो ऐसा बता रहे हैं कि इस दफा बिंदकी विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है, मतलब तीनों दावेदार जो हैं, तीनों प्रत्याशी जो हैं जो अलग अलग पार्टियों से हैं, तीनों का मजबूत इस वक्त तीनों मजबूत है, मजबूत स्थिति में। तो तीनों के बीच फाइट है, फाइट में कौन राइट होगा कौन जीतेगा ये तो खैर आने वाला समय बताएगा, लेकिन उससे पहले आपको बिंदकी विधानसभा की तस्वीरों से रूबरू कराते हैं। बिंदकी विधानसभा की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर रहेंगी, ये देखिए बिंदकी विधानसभा की तस्वीरें हैं ये। हालांकि हम जब भी आपको विधानसभा दिखाने की कोशिश करते हैं सड़क की सबसे पहले तस्वीर आ जाती है, सड़क की तस्वीरें इसलिए आ जाती हैं ताकि आप देख सकें कि अगर आप बिंदकी विधानसभा जाएंगे भ्रमण के लिए तो बिंदकी विधानसभा पहुंचने में कोई समस्या है परेशानी का सामना तो आपको नहीं करना पड़ेगा, तो उसको देखने के लिए आप जरा बिंदकी विधानसभा को भी देख लीजिए। धूल धक्कड़ से पूरी तरह से लबुलवाब है ये विधानसभा। बाकी जो मुद्दे हैं वो मुद्दों भी आपको बता देता हूँ। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी की वजह से पलायन बहुत बड़ी समस्या है। बाकी विकास जो है वो यहाँ पर बताते हैं कि पैदा ही नहीं हुआ, बड़ा तो बाद में होगा। आवारा पशु की बहुत बड़ी समस्या है जिससे किसान बहुत ज़्यादा परेशान है, तो ये सब समस्याएं हैं। इसके अलावा करण सिंह पटेल जो मौजूदा विधायक साहब हैं वो कुर्मी वोटर में उनकी अच्छी पकड़ है, साथ ही साथ सवर्ण वोटर में भी अच्छी पकड़ है। बाकी ज़मीनी जो हाल है, जो बहुत क्लोज जो सियासत वहाँ चल रही है उसको जानने समझने के लिए हमारे संवाददाता बाबूलाल जी हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही साथ आम दर्शक भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बाबूलाल जी के पास चलता हूँ। बाबूलाल जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि हमारे पिछले प्रोग्राम में आपको हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही थी, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही थी, इस वक्त आपकी विराट आवाज़ रेडी है? जी मेरी आवाज़ आ रही है सर, बिल्कुल साफ सुंदर स्वच्छ। अच्छा ये बताइए बाबूलाल जी, जी सर, कि आप चूंकि बहुत करीब से बिंदकी विधानसभा को जानते हैं समझते हैं, सियासी तौर पर भी आप अच्छी तरह से जानते हैं, आप तो दो चार डेली होते ही रहते हैं नेताओं के साथ भी, आपको हम लोग ऐसे पेशे में हैं कि नेताओं के साथ भी हमारा दो चार शब्द आदान प्रदान होता ही रहता है। तो अब ये बताइए जरा मुझे, बिंदकी विधानसभा में आखिर चल क्या रहा है, समीकरण क्या कह रहे हैं, हाल क्या है बिंदकी विधानसभा का? बिंदकी विधानसभा के जो इतनी समय हाल है वो जनता कह रही है विकास नहीं हुआ है यहाँ पे और रोडों का खासा हाल खराब पड़ा हुआ है, इस वजह से जनता परेशान है और वो बदलाव चाह रही है। कौन दिलाएगा बदलाव? ये आम जनता है और आम जनता जो नागरिक है वो इनका ये चाहते हैं, विकास नहीं हुआ है यहाँ पे, अन्ना मावेशी से किसान परेशान है और यहाँ पे जितने भी आम नागरिक हैं, चाहे महंगाई को लेकर के हो चाहे रोड विकास को लेकर के हो, वैसे मेडिकल कॉलेज बनवा दो दिया विधायक जी ने, मेडिकल कॉलेज बनवाया विधायक जी ने, उद्घाटन तो हो गया है पर यहाँ पे अभी दिखने को उपचार ना कुछ भी नहीं मिल पा रहा है लोगों को, उपचार नहीं है मतलब सिर्फ दिखाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है मतलब। जी जी ठीक है,
तो बाबूलाल जी और थोड़ा करीब जाइए सियासत के, और जरा समझाइए मुझे कि इस वक्त बड़े चेहरे कौन हैं। मतलब इस वक्त अगर बिंदकी विधानसभा की बात करूं तो विधायक जी से नाराज हैं, लेकिन किसी से तो प्रसन्न होंगे ना, खुश तो होंगे जी। बात करें विधायक इतनी सारे नाराज तो हैं, पर जहां तक जनता बदलाव चाह रही है, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, बदलाव चाह रही है तो बदल के किसको चाह रही है? बदल के जो जनता ये है, आम लोगों का कहना यह है कि जो विकास करेगा, विकास के दांव पे हम रहेंगे और विकास जो के साथ हैं, इस वजह से जनता बदलाव चाह रही है। अच्छा, विकास की ओर टकटकी लगाकर देख रही है लेकिन विकास मिल नहीं रहा है। चलिए ठीक है, पूर्वांचल की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में तो अगर हम नोएडा दिल्ली से बैठ के बात करते हैं तो माफिया बाहुबलियों के नाम याद आते हैं, लेकिन आज विकास की बात हो रही है पूर्वांचल के फतेहपुर को लेकर, अच्छी बात है। चलिए ठीक है, हमारे साथ एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबूजी आप थोड़ा इधर उधर देखिए कि आसपास कोई अगर आपको लोग टहलते घूमते फिरते दिख रहे हों तो उनसे बातचीत करेंगे, माहौल को थोड़ा समझेंगे जानेंगे, तब तक आप फ्री हैं। ठीक है, हमारे साथ एक दर्शक भी हमारे साथ है, आप नाम बताइएगा सर अपना। देवेंद्र वर्मा। अरे जाने के लिए नहीं कहा था बाबूलाल जी, चलिए देवेंद्र वर्मा साहब। ठीक है वर्मा साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि बिंदकी विधानसभा जो है वो कुर्मी बहुल विधानसभा है, ठीक है, तो कुर्मी इस वक्त किसकी ओर देख रहा है, किसको चाह रहा है, पसंद कर रहा है? जहां तक बिंदकी विधानसभा की बात की जाए, यहाँ कुर्मी बहुल है और कुर्मी कभी किसी का किसी पार्टी का रिजेक्ट नहीं रहा है, वो सिर्फ विकास चाहता है। और इस समय बिंदकी विधानसभा में भाजपा से कुर्मी नाराज है, पूरी तरह से नाराज है भाजपा से, और वो पूरी तरह से सपा के पक्ष में है, मगर अभी ये क्लियर नहीं कहा जा सकता कि वो सपा के ही पक्ष में रहेगा, क्योंकि अगर वो सपा के पक्ष से अगर उनकी बिरादरी का प्रत्याशी नहीं आएगा तो शायद है वो बसपा का प्रत्याशी जो उतर चुका है। ठीक है, सपा का चेहरा कौन है? सपा शायद उसके पक्ष में जाने के मूड में है। ठीक है वर्मा साहब, सपा से चेहरा कौन है? इस ये वहां से है दयालु साहब, गुप्ता जी है, रामेश्वर दयालु जी। हाँ रामेश्वर दयालु गुप्ता साहब है, ठीक है, ये 2017 में रनर अप हुए रामेश्वर दयालु। हाँ तो इनके लिए तो कहा जाता है कि मुस्लिम और ओबीसी में इनकी मजबूत पकड़ है। नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ जमीनी हकीकत ऐसे नहीं है कि उनकी पकड़ है, उनकी केवल अपने बिरादरी में थोड़ी पकड़ है और जिस क्षेत्र से है इनकी कस्बा जो है वही उनकी बिरादरी है ज्यादा, वो भी करीब 20,000 है, उसी पे वो डिपेंड करते हैं, तेज उनका कोई लगाव मतलब क्षेत्र में पकड़ नहीं है, सच्चाई तो ये है, मगर हाँ ये है कि पार्टी के नाते उनको वोट मिलेगा। वर्मा साहब इधर देखिए ना, स्क्रीन पर देखिए वर्मा साहब, स्क्रीन पर देख कर बताइए, आंखों में आंखें डालकर बात करें पार्टी। हाँ ठीक 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 हो। हाँ अब वर्मा साहब मुझे ये बताइए कि बसपा को 2017 में इतना प्रेम दिया, 2012 में दिया, 2017 में तो चलिए मोदी लहर मान लेते हैं, 2022 में बसपा की स्थिति क्या है? बसपा की स्थिति बेटर है, ये है कि मगर प्रत्याशी पर निर्भर करेगा, प्रत्याशी के सभी जब प्रत्याशी उतर जाएंगे उसी के बाद ही निर्णय हो पाएगा कि जनता किसके पक्ष में है, अभी जनता किसी के पक्ष में खड़ी हुई दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि ऐसा है ना कि बसपा का यहाँ पर मजबूत स्थिति में देखा जाता है, लेकिन इस बार जो बसपा का हाईकमान है वो थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ है, तो इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि विधानसभा में भी ठंडा है या फिर विधानसभा में ठीक है, फाइट में है पूरा? नहीं प्रत्याशी लगभग एक महीने पहले से घोषित है, इसीलिए प्रत्याशी के लोग जुड़ रहे हैं, मगर पूरी तरह जनता मुखर नहीं हो रही है अभी। हाँ प्रत्याशी के प्रति ठीक है, हमारे रिपोर्टर साहब भी आ गए हैं शायद जनता को लेकर, चलिए रिपोर्टर साहब को भी हमारे जोड़िए, वर्मा साहब को तब तक तस्वीरें दिखाइए, वर्मा साहब ये तस्वीरें देखिए अपनी विधानसभा की, तो ये बिंदकी विधानसभा है, सीट है, यहाँ पर जो बड़े बड़े चेहरे हैं सियासत के, जो सियासी कोट अनकोट जो बाहुबली हैं उनके नाम बता देता हूँ, करण सिंह पटेल साहब हैं, बीजेपी से विधायक हैं मौजूदा, कुर्मी वोटर और सवर्ण वोटर में इनकी मजबूत पकड़ है, अमरजीत सिंह जनसेवक साहब हैं, ये बीजेपी से ही हैं, 2017 में हालांकि चले गए थे एसपी में, लेकिन एसपी में गए तो वहाँ भी टिकट नहीं मिला तो फिर वापस भाजपा में आ गए, चलिए ये आना जाना तो लगा रहता है। रामेश्वर सिंह दयालु साहब हैं, एसपी से हैं, ओबीसी और मुस्लिम वोटर में मजबूत पकड़ है। राजेंद्र सिंह पटेल साहब हैं, बीजेपी से हैं, 2007 में और 2012 में रनर अप रहे थे, लेकिन इस बार फिर एक बार मजबूत दावेदारी करने मैदान में निकल पड़े हैं। ठीक है ये लीजिए, बाबूलाल जी हमारे साथ आ गए, बाबूलाल जी आसपास जो लोग होंगे उनसे जानने की कोशिश कीजिएगा जी, दो तीन पैमाने सेट कर लीजिए, शिक्षा स्वास्थ्य बेरोजगारी, इनको लेकर जरा पूछिए कि क्या सोच रही है जनता।
हमारे साथ भाई साहब उमेश पटेल जी हैं, बिंदकी विधानसभा से हैं। ठीक है वर्मा साहब को, वर्मा साहब को थोड़ा सा आराम दीजिए, वर्मा साहब को थोड़ा सा आराम दीजिए ताकि रिपोर्टर साहब के लिए ज्यादा खिड़की खुल पाए। ठीक है, नहीं नहीं आप शुरू करिए बाबूलाल जी। जी आप शुरू करिए, विधानसभा बिंदकी विधानसभा के मैं इतने समय खड़ा हूँ और हमारे साथ उमेश पटेल जी हैं, इनसे हम जानते हैं शिक्षा पे क्या अभी तक रहा है। जी सर आप शिक्षा पे क्या रहा है अभी तक, उमेश पटेल जी हमारे साथ हैं। शिक्षा पे कोई भी काम नहीं हुआ, जीरो जीरो जीरो। शिक्षा का क्या रहा अभी तक और विकास के दाव क्या रहे हैं? हर मामले में ये सरकार पूरी तरीके से फेल रही। अरे बिल्कुल फेल मत करिए, ग्रेस मार्क्स तो दीजिए, इनसे बात कराइए जरा मेरी। अच्छा अच्छा सबसे पहले तो पटेल साहब बहुत बहुत नमस्कार, आपका स्वागत है। हेलो पटेल साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद सर। सबसे पहले तो बिंदकी विधानसभा को सिर्फ मैं किताबों तक ही पढ़ा हूँ। बिंदकी विधानसभा के लिए कहा गया कि कुर्मी बाहुल सीट है और जब से कार्यक्रम शुरू किया है तब से सब कुर्मी मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कुर्मी सम्मेलन कर रहा हूँ। आपका संयोग है सर। चलिए अब ये बताइए मुझको कि आप बिल्कुल जी सर इतनी मजबूती क्यों है, इतने सख्त क्यों है आप? आपसे पूछा गया कि विकास के नाम पर क्या हुआ, आप कह रहे हैं जीरो, इतने सख्त क्यों? सर जी हर मामले में सरकार जीरो है तो जीरो ही कहा जाएगा उसको। ये विधायक जी जीरो है कि सरकार जीरो है? मतलब विधायक जी जीरो है या प्रदेश नेतृत्व तो जीरो है? प्रदेश नेतृत्व तो ही जीरो है। तो विधायक जी फिर जीरो इंटू जीरो है जी। ठीक है अब मुझे ये बताइए कि शिक्षा को लेकर मैं सुन रहा था कि मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण कराया गया जिसको उपलब्धि बता रहे हैं विधायक जी अपनी जी। लेकिन सर मैं इस बात पर यह कहना चाहूंगा, आज तक इतिहास में कभी आपने ऐसा देखा कि किसी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कर दिया गया और आज तक वहां पर ओपीडी नहीं चालू की गई? नहीं नहीं उत्तर प्रदेश और बिहार बहुत दिलचस्प दो राज्य है, यहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं जो इतिहास में पहली दफा देखा जाए, हर चीज हो चुकी होती है। चलिए हाँ क्या कह रहे थे आप? नहीं सर मैं ये कह रहा था कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कर दिया गया और वहां पर आज तक कोई भी कार्य सुचारू रूप से संचालित नहीं है। ठीक है मतलब कार्य अभी तक चालू नहीं हुआ है, बस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर दे दिया गया है और आंकड़ों किताबों फाइलों में ये जारी कर दिया गया कि ठीक है मेडिकल कॉलेज है जी। ठीक है लेकिन जमीन पर नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल सत्य। ठीक है अब मैं ये कह रहा हूँ बस कि करण सिंह पटेल साहब नहीं तो फिर कौन जी? कोई और तो होगा ना, बदलाव के लिए किसी को बदलना तो पड़ेगा ना। कान है कि अरविंद केजरीवाल जी की झाड़ू पार्टी जी, अरविंद केजरीवाल जी की झाड़ू पार्टी आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी जी सर। तो ये लो वही अब इस देश का कुछ कायाकल्प कर सकते हैं, अगर वो दिल्ली में कर सकते हैं तो यूपी में भी कर सकते हैं। अच्छा ऐसा हम लोगों का विश्वास है। ये तो बड़ा दिलचस्प बात कह दी आपने, आम आदमी पार्टी। किस चीज से आप इतना ज्यादा मोहित हो गए आम आदमी पार्टी की? सर आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं नीयत पार्टी की हमको साफ लगती है। कैसे आपको कैसे पता लगी उनकी नीयत? मतलब अच्छा ठीक है मैं बड़ा कैजुअल बात कर रहा हूँ, नियत कैसे पता चलती है आपको नेताओं की? सर जो मेरे कई एक फ्रेंड, मेरे कई एक रिलेटिव दिल्ली में रहते हैं, उनसे जब भी बात होती है ना तो बताते हैं वहाँ के बारे में, तो पता चलता है कि नहीं यहाँ सरकार वहाँ कुछ काम कर रही है। अच्छा चलिए ठीक है बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आप आस पास ही रहिएगा अभी तक हमारे रिपोर्टर साहब के। बाबूलाल जी एक बार फिर आप स्क्रीन पर, बाबूलाल जी और भी कोई हो तो उससे भी बात कराइए जरा, बात करने की कोशिश करेंगे। सर मैं बात कराता हूँ इसी समय, हमारे साथ और भी दर्शक हैं उनसे मैं जानना चाहता हूँ। और जी सर मैं जान कोई नहीं बाबूजी, आराम से बुला लीजिए जी। एक मिनट और एक मिनट
जी हमारे साथ एक दर्शक आ चुके हैं और इनसे हम जानना चाहते हैं सरकार के बारे में। जी अरे वर्मा जी को थोड़ा सा ब्रेक दीजिए। ये हमारे साथ अप्रूव भाई साहब आ चुके हैं और जी हमारे चाचा भी हैं। चाचा जी आपका क्या नाम है? ओम प्रकाश जी हमारे साथ है चाचा। और ये अच्छा ये उत्तर प्रदेश में है। दरअसल चाचा जो है वो रिलेटिव नहीं बता रहे हैं, अपने दर्शकों को बता दूं, ये चाचा उसमें बोल रहे हैं, सम्मान में बोल रहे हैं। चलिए जी। हाँ जी चाचा जी, शिक्षा की व्यवस्था कैसी रही अभी तक? ठीक रही। क्या चाहते हैं आप सरकार से? सरकार से चाहते हैं कि हर चीज करीब करीब फ्री हो। और नहीं, तीन पैमाने तीन स्टैंडर्ड्स पर पूछिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, पलायन बड़ी समस्या है, तीन चीजों पर पूछिए चाचा से। शिक्षा कैसी रही चाचा जी यहाँ? शिक्षा चल रही है। बेरोजगारी में परेशानी है तेजी से। बेरोजगारी में दिक्कत। अच्छा, और इतनी समय शिक्षा और बड़ा कम बोल रहा है, मेरी बात कराइए जरा। जी 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 सर। चाचा जी नमस्कार, आप इस वक्त न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर लाइव हैं। देखिए आपने तो कई विधायकों को आते और कई विधायकों को जाते देख लिया अभी तक, तो ऐसा मुझको थोड़ा सा समझा दीजिए कि विंदकी विधानसभा में वो कौन सा विधायक था जिसने सच में काम किया, सिर्फ बातों में, फाइलों में, मैनिफेस्टो में, दावों में, एजेंडा में काम नहीं किया, सच में जमीन पर काम किया? हमारी नजर में तो कोई नहीं आ रहा है। लो कैसे हम कहें। हमारे साथ दूसरे दर्शक जुड़ चुके हैं और यहाँ पे बात करते हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? अच्छा प्रवीण जी, आप शिक्षा कैसी रही आपके यहाँ? और बेरोजगारी पे क्या है? बेरोजगारी तो वही है, अभी बेरोजगारी चल रही है, काफी बेरोजगार है। स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी रही यहाँ पे? स्वास्थ्य व्यवस्था तो ठीक ही है, बाकी विशेष अभी सुधार नहीं है। तो मतलब क्या है, मौसम क्या है, पलटने वाला है विधायक जी का, पसंद नहीं है विधायक जी को, रिपीट करवाना है कि नहीं करवाना है, ये पूछिए जरा। वो तो अब जनता, ये विधायक जी कैसा मतलब, जनता तय करेगी भैया, आप ही से मिल मिल कर तो जनता बनेगी। सही है। चलिए तो चलिए। हमारे दर्शक ये अनुपजीत थे और विंदकी विधानसभा के विधायक जी सही बता रहे हैं यहाँ पे। और जी नहीं नहीं आप ही बोलिए। जी सर यहाँ पे जितने विंदकी विधानसभा के जितने भी आम नागरिक है कुछ है वो बता रहे हैं काम सही हुआ है, पर कुछ दावों पे जैसे कि स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य में अभी तक ओपीडी तो चालू हो गई है, मेडिकल कॉलेज चालू हो गया, मेडिकल कॉलेज में ना तो अब ये बताइए महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, प्रदेश नेतृत्व तो, प्रदेश सरकार कह रही है कि महिला सुरक्षा दी गई है, गुंडागर्दी खत्म की गई है, तो ये मुद्दा यहाँ पर प्रभाव दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? सर यहाँ पे तो इतनी समय कुछ भी नहीं दिख रहा है, जैसा कि कहा जाए अभी हाल में ही आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। घटनाएं तो देखिए, क्राइम कभी खत्म नहीं हो सकता, क्राइम सिर्फ चेहरे बदल सकता है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कम हुआ है यहाँ पे? देखा जाए तो कम तो नजर नहीं आ रहा है, पर हाँ कुछ परसेंट तक कम हुआ है। कुछ परसेंट तक कम हुआ है, मतलब वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि सुरक्षा को लेकर कुछ देखने को मिल रहा है, मतलब थोड़ा बहुत है। जी ठीक है, ये अच्छी चीज है। एक और चीज मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो योजनाएं हैं, जो प्रदेश स्तर की जो योजनाएं होती हैं, वो योजनाएं लोगों तक पहुंची, लोगों को लाभ मिला, और क्या ये वोट में कन्वर्ट होगा? ये तो देखने ही वाली बात होगी कि जनता क्या तय करती है। जैसे कि शिक्षा यहाँ पे, स्वास्थ्य पर तो नहीं, बस विकास के दाम सही आ रहे हैं। ठीक है, सड़कों का क्या हाल है? सड़कों का हाल तो खस्ता पड़ा हुआ है, जहां तक पर योगी सरकार ने कहा था कि गड्ढा मुक्त सड़क करेंगे, पर गड्ढा मुक्त सड़क तो नजर नहीं आ रही है। हाँ, तो फिर क्या नजर आ रही है? गड्ढा युक्त नजर आ रही है। वैसी रोडें अभी भी पड़ी हैं, और देखने को मिल रहा है कि रास्ता भी वैसा का वैसा ही पड़ा है, कुछ रास्ते हैं, मार्ग हैं, राज्य मार्ग सही हुए हैं। ठीक है, 2017 वाला बिंदकी और 2022 वाला बिंदकी कुछ अलग दिखता है कि नहीं दिखता है?
2022 तो अभी विकास अब है, जनता तय करेगी क्या है। नहीं नहीं, जनता तो तय करेगी बाबूलाल साहब, ये बताइए 2017 में जब आप बिंदकी में निकलते थे मोटरसाइकिल लेकर, जी आप 2022 में निकल रहे हैं आप, तो कुछ फर्क पता लग रहा है, कुछ अलग दिख रही है बिंदकी? जी हाँ, रोडें तो बनी है 50% तक, जितनी भी 50% रास्ताएं थी गांव के मार्ग हैं वो सही हुए हैं। विकास तो इस सरकार में दिख रहा है पर उतना नहीं दिख रहा है, मतलब जैसे कि हम 50-50 है मामला। चलिए ठीक है, कट इट शॉर्ट, 50-50 है मामला, 50-50 जी, कट इट जी। हाँ तो मतलब 50-50 है मामला कि विधायक जी अगर दोबारा चुनाव लड़ते हैं तो ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी कि अगर बम्पर वोटों के साथ फिर जीत जाएं, और ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी कि हार जाएं। हाँ, ये तो जनता, नहीं जनता तो तय करेगी, लेकिन अभी मैं ऊपर ही लबोलुभाव समझ रहा हूँ आपसे, ठीक है जी जी हाँ ये तो है, कंफर्म है सर, ठीक है कंफर्म है। वर्मा जी कहाँ गए, वर्मा जी को लीजिए जरा। वर्मा जी शुरू आपसे किए हैं तो खत्म भी आपसे करेंगे, चलिए एक है। हाँ तो वर्मा जी मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे कि हमारे बाबूलाल साहब है, रिपोर्टर साहब है हमारे, ये हमको बता रहे हैं कि 50-50 है पूरा मामला, यहाँ पर विकास हुआ भी है लेकिन उतना भी नहीं हुआ है, सड़कें ठीक हुई भी हैं लेकिन उतनी भी नहीं हुई है, तो ये हमको कंफ्यूज कर दिए थोड़ा बहुत, तो वर्मा जी आप थोड़ा ये कंफ्यूजन को मेरी दूर करिए। नहीं अगर सरकार आई है तो विकास तो होता ही है, पर ये विकास जितना दावा किया जाता है उतना विकास नहीं होता है, कहीं ना कहीं उसपे भ्रष्टाचार जो छाया रहती है जिसके कारण पूरी तरह से विकास धरातल पर दिखाई नहीं देता है। विकास तो परिवर्तन तो हुआ ही है, पहले तो 17 से 22 में परिवर्तन काफी कुछ हुआ है, ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ, मगर विकास जिस जनता जितना चाहती उतना विकास नहीं हुआ, उम्मीद उसकी पूरी नहीं हुई विकास मामले में। पूर्वांचल का नाम जब सुनते हैं वर्मा जी तो माफिया एकदम दिमाग में आ जाता है, एकदम दिमाग झंझना जाता है कि हाँ माफियाओं का गढ़ है पूर्वांचल। तो अब जब योगी सरकार आई और दावे करती है कि माफियाओं पर तो बुलडोजर चल गए, माफिया तो अब नाम के माफिया रह गए, तो ऐसे में क्या बिंदकी विधानसभा पर भी इसका कुछ प्रभाव पड़ रहा है? मैं सुरक्षा की बात कर रहा हूँ, क्या महिलाएं जब वोट देंगी तब ये सोचेंगे कि महिला सुरक्षा को लेकर इस सरकार ने कुछ किया है? जहां तक यहां माफिया की बात आपकी की या सुरक्षा की बात की, पहली बात तो यहां माफियाओं का कभी राज्य ही नहीं रहा, मतलब अस्तित्व नहीं रहा है फतेहपुर में, यहाँ इतना लोग करीब नहीं है कि जो लोगों के संरक्षण में जिए, यहाँ लोग लगभग लोग खा पी रहे हैं अपने आर्थिक से मेहनत से के खा रहे हैं, लोग किसी के गुलाम नहीं है, इसलिए वोट डालने में कभी किसी का दबाव इतना ज्यादा नहीं होता है कि वोट डाल ना सके, वोट बूथ तक ना जा सके, ऐसा कभी कोई प्रभाव नहीं रहा है। और महिलाओं की सुरक्षा की बात किया जाए, महिलाओं की सुरक्षा के विषय में तो बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता, पहले भी अपराध थे आज भी अपराध है, बहुत परिवर्तन नहीं दिखाई देता। बाबूलाल जी आप तो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, लेकिन वर्मा जी आप इतनी तेजी से बोलते हैं, आपको ना तो किसी टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत है, मोदी जी से भी तेज बोल देते हैं आप। बहुत बढ़िया, आपने बहुत सुंदरता के साथ आपने जवाब दिए सभी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाबूलाल जी जाते जाते बस ऊपरी में ये जानना चाहूंगा कि अगर विधायक जी को वहां की जनता आप मिलते रहते, अगर नंबर देने की बात हो, रेटिंग्स की बात हो, तो 10 में से कितने नंबर दे रही है जनता वहां की? 10 में से लगभग सर यहां से 6 नंबर दे रही है, 4 नंबर काट रही है जी, 4 नंबर काट। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाबूलाल जी आपका भी और वर्मा जी आपका भी। बाबूलाल आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें जवाब दिए, अच्छी तरीके से हमें समीकरण समझाए और अच्छी तरीके से आपने जो जमीनी हकीकत है उसको बयां किया, हमारे सामने रखा हमारे दर्शकों के लिए, ठीक है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम बिंदकी विधानसभा लेकर चले थे आपको, जहां की विधानसभा की अगर बात की जाए तो त्रिकोणीय जो फाइट है वो त्रिकोणीय नजर आ रही है, बसपा और बीजेपी का ये मजबूत गढ़ रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी इस बार फाइट में नजर आ रही है। क्या कुछ होता है ये 10 मार्च को पता लग जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको एक डिजिटल दर्शन कराया था कि विधानसभा आखिर दिखती कैसी है, फाइट किनके बीच है और क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ समेटे हुए विधानसभा आखिर माहौल क्या है। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।